Hey yo boys and girls, welcome to the channel. Guys, आज फिर से एक बार हम लोग खेल रहे हैं द घोस्ट केस और आज है पार्ट नंबर 8। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो काफी नजदीक है हम गेम को खत्म करने के, तो अब इनसे हमको सवाल जवाब करने हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन इन द असाइलम। हाँ, जो वो बंदा है वो असाइलम में कब, मतलब कितने टाइम से है। सिंस सेप्टेम्बर 2, एग्जैक्टली 20 ईयर्स अगो। इट्स द सेम डे द बॉयज वेंट टू द सिमेट्री। ओके, तो वॉट इज हैपनिंग टू हिम, ये पूछ लेते हैं भाई। सेविंग कंप्लीट हो जाए बस। ओके, तो इट सीम्स लाइक ही विटनेस सम वेरी ट्रॉमेटिक, ही ट्राइज टू कम्युनिकेट इट इन हिज ड्रॉइंग बट वी डोंट अंडरस्टैंड वॉट ही मीन्स। अच्छा, सो तीसरा सवाल, डू यू थिंक ही इज ट्राइंग टू से समथिंग। येस डेफिनेटली, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू इंटरप्रिट हिज ड्रॉइंग्स और रिलेट देम टू समथिंग ही मे हैव सीन। ओके, और अब आखिरी सवाल, Can I see him and talk to him? He doesn't speak. He just repeats the same thing all the time. But you can see if it मेरी जबान फिसल गई दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं। But you can see it if you want. Follow me. Okay, ठीक है। तो I have other questions. Sure, let's go. मेरे ख्याल से जाना चाहिए। Sure, let's go. Okay, over here, please. All right. चलो देखते हैं यहाँ पे वो आदमी क्या कर रहा है। ये ऐसे देखता है ना भाई, मेरे को डर लग जाता है कि क्या देख क्या रहा है ये। वॉट इज दिस। ओहो, वैसे सही है, ऐसे अजीब तरीके से देख रहा था क्योंकि यहाँ पे काम ही अजीब हो रखा है भाई। ये क्या है, क्या अजीबोगरीब ड्राइंग बना रखी है इसने। ये देखो यहाँ पे ये तस्वीर, ये आदमी और ये चार बच्चे और ये अजीबोगरीब चीज़ें भाई, काफ़ी डरावनी हालत है यहाँ पे इसके कमरे की। ठीक है, तो देखते हैं क्या बात बताता है हमको। फर्स्ट द सन केम आउट, द स्नेल अराइव्ड लास्ट, द सेकेंड इज द वन दैट फॉलोज आफ्टर द थर्ड, 1, 2, 3 द हरिकेन विल टेक अस। तो गाइज, ये अगर आप लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये क्या अंड शंड बकवास कर रहा है, तो आपको बताता हूँ थोड़ी ही देर में। सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा अपने इधर ग्रेवयार्ड में। अरे यार, ये वापस कटसीन आएगा क्या? अच्छा हाँ भाई, यहाँ पे कटसीन है, याद आया। ओके, किसी का कॉल आया है। इट्स फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। ओके, पुलिस स्टेशन से किसका फ़ोन है? डिटेक्टिव लार्सन, वी हैव रिसीव्ड अ रिपोर्ट ऑन योर केस। ओके, लियान एंड एना हैव डिसअपीयर्ड, वी हैव एविडेंस ऑफ फोर्स्ड एंट्री इनटू देयर होम्स। ओके भाई, इट मस्ट हैव सीन हिम। क्या? इट मस्ट हैव बीन हिम। ओह सॉरी सॉरी गाइस, पता नहीं मेरी आँखें मतलब क्या ही है, इनको इलाज कराना पड़ेगा इनका। आई मस्ट स्टॉप हिम एज सुन एज पॉसिबल। ओके, मतलब इसको लग रहा है कि वो फ्रेडरिक वही है जो इनको किडनैप करके ले गया है और हमें उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। तो देखो, ये आप साइंस देख लो, तो ये जो है बिल्कुल उसके कमरे में जो साइंस थी उससे मेल खाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे जो सिग्नेचर्स है, ये वाली साइन, ये बिल्कुल वैसी है। तो अब मैं ये पैटर्न फॉलो करने वाला हूँ। सबसे पहले ये वाला मैं देख लेता हूँ, इसके बिल्कुल इस लाइन के इस एंड पे ये वाला डॉट है। तो मैं वापस जाऊंगा अपने ग्रेवयार्ड में और अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे खींच दूंगा। ओके, अब मैं वापस चलता हूँ अपने मेंटल हॉस्पिटल में और वापस से देखते हैं एक और पैटर्न। ओके, अब मैं दो दो देख के जाऊंगा। तो ये जो एंगल है इसके, यहाँ पे है ये वाला डॉट, ठीक है। तो और ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है इसके टॉप पे है, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं अपने ग्रेवयार्ड में और जल्दी से पैटर्न को लगाते हैं। ओके, यहाँ पे तो इन दोनों का तो जैसा चाहिए वैसा ही है, बस ये वाला हमको देखना पड़ेगा, ये वाला। तो वापस चलते हैं और देख लेते हैं उसको। ओके, इसका यहाँ पे है सेकंड ऐसे टर्निंग पे, ठीक है। इनका पज़ल ऐसा है ना भाई, मतलब ये बोल भी नहीं सकते अच्छे से कि क्या मतलब पैटर्न है क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ऐसा लगाने का। अब शायद खुल जाना चाहिए था, क्या है भाई इधर, खुल तो जाना चाहिए था, खुला क्यों नहीं अभी तक। अच्छा, वापस मैं एक बार चेक करके आता हूँ मेंटल हॉस्पिटल में जाने का। और हाँ भाई, इधर ही था ये तो। ये वाला भी शायद मैंने सही ही लगाया है और ये वाला भी ऐसा ही था और ये वाला भी ऐसे ही था। ओके, अच्छा, इसके डायलॉग्स भी, अच्छा इसके डायलॉग्स का भी हमको कुछ पज़ल का ही पैटर्न है। ये जो डायलॉग दिए गए हैं इनको भी वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। चलते हैं ग्रेवयार्ड में।
ओके तो अब ये नीचे उसने पहले क्या बोला था, जब सन कम फर्स्ट, तो देखते हैं यहाँ पे कोई सन है क्या। ओके सन तो मिल गया। फिर क्या बोला था, वापिस चलो मेंटल हॉस्पिटल। भाई ये इधर उधर जाना बहुत ही अनॉइंग है। द स्नेल अराइव्ड लास्ट, मैं अभी से सब पढ़ के जाता हूँ, वापिस नहीं आएंगे यार यहाँ पे। द स्नेल अराइव्ड लास्ट, ठीक है लास्ट में स्नेल है। द सेकेंड इज द वन दैट फॉलोज आफ्टर थर्ड, वाह दूसरा वो है जो थर्ड को फॉलो करता है, ये क्या भाई पता नहीं। और 1 2 3 द हरिकेन विल टेक अस। अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे मेरे को थोड़ा क्लू समझ आ रहा है कि द सेकेंड इज द वन दैट फॉलोज आफ्टर थर्ड, ठीक है मतलब हमको थर्ड बता दिया जाएगा यहाँ पे पहले ही। 1 2 3 द हरिकेन विल टेक अस। अच्छा तो थर्ड मेरे ख्याल से हरिकेन है और सेकेंड इज द वन दैट फॉलोज द थर्ड, तो हरिकेन के बाद क्या होता है, तो वो तो आप ऐसे गेस करोगे तो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन मैंने ये गेम खेल रखा है तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो पहले हम थर्ड वाला ला देते हैं यहाँ पे हरिकेन। तो हरिकेन का सिंबल यहाँ पे कैसा होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा हरिकेन जो तूफान होता है उसका सिंबल ऐसा है। आप इसको यहाँ पे लगा लीजिए मस्त ऐसे। लास्ट में था स्नेल, तो ये स्नेल और हरिकेन के पहले आता है आग। ये आग कैसे आता है, क्यों आता है मेरे को नहीं पता, ये गेम वालों ने बस यहाँ पे आग डाला है। मैंने तो कभी देखा नहीं भाई कि तूफान के बाद आग आता है, आग जल जाता है सब जगह। फिर ठीक है लेकिन गेम का है तो नियम तो डाल देते अपन यहाँ पे आग। आग कहाँ है भाई, ओके आग। और अब यहाँ पे ये सीक्रेट पैसेज खुल जाता है, तो अभी चलते हैं भाई अंदर देखते हैं अब क्या रखा है नीचे। ओके चलो भाई आराम आराम से, हाँ गिर मत जाना। वेयर विल दिस टेक मी, टू द हेवन, कहाँ लेके जाएगा भाई, जमीन के अंदर लेके जाएगा और कहाँ। ओके हम आ गए हैं यहाँ पे, एक बढ़िया सा सांप है डोल रहा है मस्त, धीरे धीरे हाथ लगाते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू टच इट, इट कुड बाइट मी। हाँ तो काट तो लेगा भैया, वो तो सही बात है। देखते हैं यहाँ पे भाई, ये एक बॉक्स है जिस पे ताला लगा हुआ है, ये एक और पैटर्न वाला लॉक है यहाँ पे, यहाँ पे अजीबो गरीब निशान, और एक और कमरा जिसके अंदर मैं अभी नहीं जाऊंगा, रुक जाओ थोड़ा, और यहाँ पे और अजीबो गरीब मूर्तियाँ। तो देखते हैं भाई इनको एक एक करके कि इनसे क्या मिलेगा हमको।